नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और पहला मैच अब से कुछ देर बाद कोची में शुरू होने वाला है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। 5 मैचों की वनडे सीरीज, भारत का फेवरेट फॉर्मेट, इंग्लैंड से जीत कर लौटी है टीम इंडिया। हर जो पहलू है वो टीम इंडिया के फेवर में जाता है जहां तक एक दिवसीय क्रिकेट की बात है, लेकिन लगातार हर तरफ एक बात ये सामने आ रही है कि ये विश्व कप के लिए विश्व चैंपियन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है तैयारियों के मद्देनजर। 5 मैचों की सीरीज, हालांकि कोची में पिछला मैच भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जो आखिरी मैच कोची में खेला गया था जिसमें वेस्टइंडीज को बुरी तरह पीटा था भारत ने, स्पिनर्स के सामने घुटने टेक दिए थे वेस्टइंडीज ने। और आज बारिश की आशंका बनी हुई है, 50% बता रहे हैं मौसम विभाग कि शायद बारिश हो सकती है। और आज तक की भी जबरदस्त तैयारी है सीरीज के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ दो पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफलतम कप्तान में से एक सौरव गांगुली और अजय जडेजा हमारे साथ स्टूडियो में और लगातार इस सीरीज में हमारे साथ होंगे। आप दोनों का स्वागत है। अब दादा से और अजय से ही पूछेंगे कि क्या क्या ऐसे पहलू हैं जिन पर इनकी नजरें होंगी इस सीरीज में, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम के सामने भारत भारी फेवरेट लग रही है। रणनीति दोनों टीमों की क्या है इस पर हम रिपोर्ट दिखाएं। इससे पहले दादा, पहला सवाल आपसे, आप अगर ऐसी स्थिति में होते कि वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो गया होता, वर्ल्ड कप की तैयारियां सामने होती, आपकी टीम लगातार जीत रही है, एक कमजोर ओपोनेंट माना जाए वेस्ट इंडीज को, तो आप किन पहलुओं पर नजर रखते हैं इस सीरीज में, आपका वो एम क्या होता? देखिए, गेंदबाजी, क्योंकि गेंदबाजी भारत की कमजोरी है। हम इंग्लैंड में जरूर वनडे सीरीज जीते, लेकिन आते आते लास्ट दोनों मैच हम हार के वापस आए, टेस्ट सीरीज में उतने अच्छे नहीं खेले। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये मैचेस, ये कंडीशंस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सही है, क्योंकि दोनों कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगे। मेरे हिसाब से इंग्लैंड ज्यादा से ज्यादा तैयारी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उन कंडीशंस पे लिए ऑस्ट्रेलिया को अच्छा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि गेंदबाजी एक पहलू है जिस पर दादा इस सीरीज में ध्यान देना चाहेंगे। अजय, जीत के अलावा कौन सा ऐसा पहलू है, इसके बाद हम अपने रिपोर्ट पे जाएंगे, दोनों टीमों की तैयारी क्या, कौन सा ऐसी चीज है जिन पर आपकी नजर होगी ऐसे एक सीरीज में जहां पर 5 वनडे मैचेस आप खेल रहे हैं? आई थिंक जैसे दादा ने कहा, आई थिंक गेंदबाजी पे ही करना होगा, क्योंकि आपकी जो बल्लेबाजी है वो ऑलमोस्ट सेटल्ड है, एक आध प्लेयर है, इनफैक्ट रोहित शर्मा नहीं है तो अजिंक्य रहाणे ओपन कर रहे हैं, तो बल्लेबाजी में आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, ना आपको ढूंढने की जरूरत है, जो जरूरत है वो गेंदबाजी में ही है। तो आपको बता दें अजय दादा, आपको दोनों बता दें कि भारत ने टॉस जीत लिया है और जिस चीज की फिक्र है उसी चीज पर लगता है टीम मैनेजमेंट का भी ध्यान है, गेंदबाजी चुनी है भारत ने टॉस जीतकर। दादा, ये एक कहीं ना कहीं गेंदबाजी को टाइट करने का एक वही एक इंडिकेशन माना जा सकता है? एक तो देखो, बहुत समय से बारिश भी हुआ है तो आशा कर रहे कि थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो जो गेंदबाजों को मिले, शाम का ड्यू भी हो सकता है अगर आप 3 स्पिनर खिला रहे हैं, पता नहीं टीम कॉम्बिनेशन किया है, अगर 3 स्पिनर खिला रहे हो तो पहले गेंदबाजी करने की कोशिश करोगे, और वेस्टइंडीज ने जो हाल ही में दोनों मैचेस आ रहे हैं, दोनों ने पहले बल्लेबाजी करके आ रहे हैं, तो ये सब चीजें सोच के कप्तान डिसीजन लेता है। बारिश का चांसेस बहुत है तो डकवर्थ लुईस भी आएगा शाम को, तो ये सब चीजें सोच के धोनी ने पहले गेंदबाजी की है। आपका कंप्यूटर, दिमाग का कंप्यूटर क्या कर रहा है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी सही फैसला? देखिए, जो आपकी कमजोरी है दो तरह से खेल सकते हैं, क्या आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं या अपनी वीकनेस को बचाने को देखते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी है आपकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि जो भी टोटल होगा उसको हम शायद उसको पार कर सकते हैं, और ऑपोजिशन को देखें तो जैसे दादा ने कहा कि उनकी बल्लेबाजी ऐसी है वेस्ट इंडीज की कि अकेला आदमी कोई किसी दिन भी आपको मार के ले जा सकता है गेम, तो वो डर भी है इस वजह से शायद। जी, कई ऐसे पहलू हैं, हालांकि वेस्ट इंडीज ने कहा था कि हम खेलेंगे नहीं मैच को, और कल जब कप अनवेलिंग था, जब ट्रॉफी अनवेलिंग थी, तो उसमें उनके कप्तान पहुंचे भी नहीं थे ड्वेन वावर, लेकिन आखिरकार टीम जो है वेस्ट इंडीज की मैदान में उतर रही है और भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या तैयारी है दोनों टीमों की और किस रणनीति के साथ टीम इंडिया के उतरने की इस मैच में उम्मीद है। इंडिया आर ऑलवेज अ स्ट्रांग टीम इन इंडिया, and they've got a lot of talented players, a lot of talented batsmen, quality bowlers. It's never going to be easy to beat India, but you know, we believe we can challenge India. तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया कोची में, और टीम इंडिया काफी मजबूत लग रही है। दादा, अगर बात की जाए, टीम इंडिया ने गेंदबाजी का फैसला किया जल्दी, आपको पहली 11 क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन टीम में अमित मिश्रा, आप इस कार्यक्रम में शुरू होने से पहले अजय और दादा दोनों बैठे थे, दोनों कहे अमित मिश्रा यहां पर खिला रहे, तो गेंदबाजी कॉम्बिनेशन तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन अगर बात करें कि जिस तरीके से धोनी की अगर बात करें तो उनकी कप्तानी के लिए भी एक कहीं ना कहीं टेस्ट है कि वो अपने आप को भी तैयार करें जिस तरीके से लगातार वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वनडे में धोनी के कप्तानी बहुत अच्छे हैं, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जब यहाँ पे वो कप्तानी करते हैं, इवन वनडे क्रिकेट में जब भारत के बाहर करते हैं तभी भी वो अच्छे कप्तानी करते हैं, प्रॉब्लम है टेस्ट क्रिकेट में जब सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाते हैं, तो इस कंडीशंस में जब आपके पास स्पिनर हो और आपकी स्पिनर विकेट ले रहे हो
तब आपके पास उनके पास प्रॉब्लम नहीं होता टीम को आगे ले जाने, जब बाहर जाते और स्पिनर्स आपके विकेट नहीं लेते तब प्रॉब्लम शुरू होता है भारत के लिए। तो मेरे हिसाब से इस फॉर्मेट में उनके लिए टेस्ट नहीं है, इस फॉर्मेट में बहुत सफल है, बहुत टूर्नामेंट्स जीते हैं, अच्छे अच्छे जगह जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इस फॉर्मेट में महेंद्र सिंह धोनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विश्व कप का एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया, घर पर आखिरी सीरीज के लिए टीम इंडिया ने टॉस का सिक्का उछाला और उसे जीता, और उसके बाद टीम इंडिया ने गेंदबाजी का फैसला किया है। टीम क्या है वो आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे, हालांकि टीम में ज्यादा कोई ऐसा फेरबदल नहीं है। अमित मिश्रा खेल रहे हैं, वो सब सोच रहे थे कि क्या नए स्पिनर को मौका मिलेगा, नहीं मिला है। अश्विन जिनको आराम दिया गया उनकी जगह अमित मिश्रा, तीन तेज गेंदबाज, दो स्पिनर रविंद्र जडेजा और अमित मिश्रा। अजय सवाल ये था ब्रेक से पहले, हम कह रहे थे कि एक चुनौती कहना कहीं अपने आप को री इन्वेंट करने की धोनी को है, एक छोटा सा जवाब उसमें। और जीत की अगर बात करें, वेस्ट इंडीज क्योंकि सामने कमजोर है, तो जीत का लक्ष्य क्या, 5-0 या फिर वेस्ट इंडीज से फाइटबैक की उम्मीद कर रहे हैं? लेकिन मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम अगर आप देखें जो क्रिकेट हमने देखी है, आईपीएल हो या अभी चैंपियंस लीग भी, इनमें जो हर टीम में कोई ना कोई वेस्ट इंडियन खिलाड़ी है जो मैच विनर है। एज अ यूनिट ये शायद अच्छा नहीं खेलते, वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़े सालों से एक टीम के बन के नहीं खेल पाई, लेकिन इंडिविजुअली इनमें वो स्किल्स हैं कि अकेला एक आध मैच कोई जिता के ले जाएगा। रही बात धोनी की, आई थिंक धोनी अब ट्रायल पे तो नहीं हो सकते, और री इन्वेंट नहीं करोगे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे एज अ कैप्टन, चाहे एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, तो आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा, या तो गेंदबाज कोई उनको मिल जाए, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई ऐसा गेंदबाज आ ही नहीं रहा जिससे वो कोई नई रणनीति निकाले, तो अभी तो बचने की ही रणनीति चल रही है। जी हाँ बिल्कुल दादा, वही 5-0 की अगर बात करें तो आपको मैच शुरू होने में अभी थोड़ा सा वक्त है, क्या आप एक्साइटेड हैं इस सीरीज को लेकर? आपको लगता है कि टीम इंडिया पूरा दबदबे के साथ खेले यहाँ पर? और देखिए क्रिकेट जब होता है तब मैं एक्साइटेड जरूर होता हूँ, कोई भी सीरीज हो जाए, चाहे टीम सामने कोई भी हो, हाँ जरूर। और ये इतना वनडे क्रिकेट में इतना खराब टीम नहीं होगा वेस्ट इंडीज, भारत के लिए जो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा वो रविचंद्रन अश्विन नहीं है, क्योंकि अमित मिश्रा जो हमारे लेग स्पिनर वो हिटेबल है, क्योंकि उनका पेस उतना नहीं है हवे में, तो उनको आप मार सकते हैं, खराब बॉल वो दे सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं, तो मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा प्रेशर होगा स्पिनर्स के ऊपर। कितना स्कोर अगर वेस्ट इंडीज करते तो भारत पर प्रेशर होगा जाते जाते? 300 इस भारत में 300 के नीचे जो आज के रूल्स है, 5 फील्डर हर समय अंदर, 20 ओवर के पावर प्ले, 300 के नीचे अब जाते जाते आपसे सवाल, क्या 300 बनाने की हिम्मत है वेस्ट इंडीज में? वक्त हो चुका है, बिल्कुल हिम्मत जरूर है वेस्ट इंडीज की। वही अगर कोई इकलौता खिलाड़ी उनका, वेस्ट इंडीज की एक खासियत है वो कभी एवरेज स्कोर नहीं बनाएगी, या ओवर पार होंगे या अंडर पार होंगे, एवरेज इनका काम ही नहीं है। और एक चीज कहना चाहता हूँ जाते जाते कि वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा हुआ है कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी की है, बिना प्रेशर के बल्लेबाजी करेंगे, और जब कोई भी कमजोर टीम को अगर डिफेंड करना होता है तो कहीं शुरू में जल्दी विकेट गिर जाए तो अच्छी टीमों के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि पहला मैच एक रोमांचक मैच हो, पल पल की हर खबर जो है आज तक पर हम आपको देते रहेंगे, और हमारे एक्सपर्ट्स जडेजा और सौरव गांगुली लगातार हमारे साथ स्टूडियो में एनालिसिस और हर हाईलाइट के लिए मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, फिलहाल आपको और अजय आपका भी।